दोस्तों फैन फाइट की एप्लीकेशन जो है बहुत ही अच्छी है, यहाँ पे जो है आप सभी को कंपटीशन बहुत ही कम मिलेगा। इस ऐप का जो है लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जो है अभी फैन फाइट को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे जो है आप सभी को कंपटीशन बहुत ही लेस मिलता है, तो आप जो है जीतने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। इसके साथ जो है आप सभी यहाँ पे जो है रोज़ाना के 1 लाख तक का मेगा लीग जीत सकते हैं। अभी जो है इसको डाउनलोड कीजिए और मेरा जो है रेफर कोड ज़रूर से डाल के रख दीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज में। तो भाई जल्दी जो है दोबारा से चालू करते हैं आज के सीरीज को। शुरुआत करते हैं भाई बिग बैश लीग की। बिग बैश लीग जो है फिलहाल चालू है, तब ऐसे में जो है बिग बैश लीग के हाईएस्ट रन स्कोरर जो है वो भाई बन चुके हैं क्रिस लिन। यहाँ पे जो है क्रिस लिन बिग बैश लीग के ऑल टाइम हाईएस्ट रन स्कोरर बन चुके हैं। अब बात करते हैं सेकंड खबर बिग बैश की, तो भाई वो आ रही है DRS को लेके। जैसा कि हम सभी को पता है बिग बैश लीग में जो है फिलहाल DRS का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ऐसे में जो है लगातार 2 दिन जो है बिग बैश लीग में अंपायर ने रॉन्ग डिसीजन दिया, जहां पे जो है उस्मान ख्वाजा जो है Day 1 पे आउट थे उनको आउट नहीं दिया, और आज जो है लियम लिविंगस्टन आउट नहीं थे उनको आउट दिया। तब ऐसे में जो है DRS को लेके जो है काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, और फिंच ने भी बोला है कि DRS को लाना चाहिए बिग बैश लीग में। लेकिन भाई यहाँ पे जो है उनके बोर्ड ने साफ साफ मना कर दिया है कि हम जो है ये साल DRS बिग बैश लीग में नहीं लाएंगे। अब बात करते हैं बिग बैश लीग के फाइनल की, मतलब कि बिग बैश लीग का जो होने वाला है प्ले ऑफ वो किस तरीके से होने वाला है। इस बार जो है भाई बिग बैश लीग में कुल 5 टीम क्वालिफाई करेगी। सबसे पहले जो है Number 4 और Number 5 रैंक का जो है मुकाबला होगा, उसके बाद जो है Number 1 और Number 2 का मुकाबला होगा, और उसके बाद जो है लास्ट में Number 3 पे जो टीम रहेगी उसका मुकाबला होने वाला है, जो भी टीम जीतने वाली है Number 4 और Number 5 में से। तब ऐसे में जो है ये साल बिग बैश लीग में कुछ नया ट्राई किया गया है, कुल 5 टीम जो है क्वालिफाई करेगी। अब बात करते हैं भाई क्रिकेट साउथ अफ्रीका की। यहाँ पे जो है बहुत सारी न्यूज जो है आज निकल के आ रही है। सबसे अच्छी खबर आ रही है साउथ अफ्रीका जो है अपने हालात को सुधारने के लिए बहुत ही बड़े खिलाड़ी जैक कैलिस को जो है उनके टीम का नया बैटिंग कंसल्ट चुन लिया है, जो कि ये साल के पूरे समर तक होम सीजन तक उनका साथ निभाएंगे। तो ये जो है भाई काफी अच्छी खबर है, जैक कैलिस जो है फिलहाल जुड़ने वाले हैं उनके टीम के साथ में, तो ये जो है काफी अच्छी खबर आ रही थी। एक और खबर आ रही है भाई, इस बार आ रही है साउथ अफ्रीका के बॉलिंग से। फिलहाल जो है हम बात कर रहे हैं चार्ल्स लैंगवेल्थ की। ये जो है चार्ल्स फिलहाल जो है टीम बांग्लादेश उनके जो है बॉलिंग कोच है, लेकिन जैसे ही जो है उनको अपने खुद के देश से ऑफर मिला बॉलिंग कोच का, तो वैसे ही जो है वो बांग्लादेश की टीम को क्विट कर देंगे, उनकी जो है कोचिंग नहीं करेंगे। तब ऐसे में जो है भाई क्रिकेट साउथ अफ्रीका जो है अपने सारे दिग्गज प्लेयर को जो है सपोर्ट स्टाफ में शामिल कर रही है, तो ऐसे में जो है भाई चार्ल्स लैंगवेल जो है बहुत ही जल्द बनने वाले है साउथ अफ्रीका के बॉलिंग कोच। अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की, जो कि आ रही है अब्राहिम बेंजामिन डिविलियर्स ABA डिविलियर्स को लेके। यहाँ पे जो है डिविलियर्स वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं, ये बात लगभग से हम सभी को मालूम पड़ चुकी है। उसके साथ जो है सोर्सेस के हवाले से ये खबर आ रही है जून 2020 में जो है ABA डिविलियर्स का फिटनेस टेस्ट होने वाला है, जो कि होने वाला है भाई जोहान्सबर्ग में। अगर डिविलियर्स इस जो अपने टेस्ट को पास कर पाते हैं तभी जो है वो खेल पाएंगे, तो और हम सभी को पता है भाई कितने फिट मुस्तैद है डिविलियर्स। लगातार जो है डिविलियर्स T20 लीग में खेलते रहते हैं, हालांकि यहाँ पे जो है काफी लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेले थे। अब खबर आ रही है भाई KKR के हेड कोच ब्रेंडम मैकलम को लेके। यहाँ पे जो है ब्रेंडम मैकलम ने एक जो है बहुत ही बड़ा बयान दिया है, बोले है कि IPL 2020 के ऑक्शन के टाइम पे जो है KKR की टीम को थोड़ा सा लक की जरूरत होनी चाहिए। यहाँ पे जो है मैकलम ने कहा है किस्मत का साथ मिलेगा तो यहाँ पे जो है KKR की टीम ऑक्शन में अच्छे प्लेयर को खरीद सकती है। तो अभी देखते हैं कि क्या किस्मत ब्रेंडम मैकलम और KKR का साथ देती है कि नहीं IPL के ऑक्शन में। अब बात करते हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के वनडे सीरीज की, जहां पे जो है सेकेंड वनडे में जो है विंडीज के सारे जो है प्लेयर्स अपने हाथ पे जो है ब्लैक कलर का पट्टा पहने हैं। वो पहने हैं इसीलिए क्योंकि उनके जो है लेजेंडरी प्लेयर
बैसिल बुटचुर का जो है हाल ही में देहांत हो गया। इसी के जो है शौक में सारे विंडीज के प्लेयर जो अपने हाथ पे ब्लैक कलर का पट्टा पहने हैं। अब यहाँ पे जो है आईपीएल ऑक्शन से ठीक जो है पहले आरसीबी के कैप्टन विराट कोहली जो है एक बहुत ही जो है अच्छा मैसेज दे दिया सभी फैंस को ट्विटर के ऊपर। भाई उन्होंने है बोला है कि वो जो है ये साल सभी जो है अपने स्ट्रॉन्ग कोर को बनाएंगे, जितना भी रिक्वायरमेंट होता है सभी जो है प्लेयर को ट्राई करेंगे, उनको जो है टीम में फिट किया जाए। और ऐसे में जो है लास्ट में भाई बोले है कोहली कि वो जो है सभी फैंस का बहुत ही ज्यादा करते हैं शुक्रगुजार कि आप सभी जो है आरसीबी के फैंस हमेशा जो है उनको सपोर्ट करते हो। हालांकि उनका जो है परफॉर्मेंस उतना अप टू द मार्क रह नहीं पाता, लेकिन फिर भी जो उनके फैंस है वो भाई हर साल उनको सपोर्ट करते हैं। तब ऐसे में जो है बोले है कि ये साल जो है आरसीबी की टीम सारे जो है कवर कर लेंगे, जितना भी उनका बेसिक है उनको जो है पूरा कवर कर लेंगे और सभी जो है प्लेयर को टीम में फिट करने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं भाई राजस्थान रॉयल्स की टीम की। यहाँ पे जो है इनके टीम ने हाल ही में इंटरव्यू दिया, बताए है कि ऑक्शन की उनकी रणनीति क्या रहने वाली है। यहाँ पे जो है फिलहाल जो है टीम रॉयल्स की वो भाई काफी ज्यादा मजबूत है। बटलर है, स्टोक्स है, आर्चर है, ये जो है टीम स्मिथ भी है और काफी ज्यादा जो है बैलेंस दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बाद जो है एक बात बोले है कि ये जो टीम है ऑक्शन के अंदर कुछ अननोन प्लेयर को ट्राई करना चाहेगी। यहाँ पे जो है आईपीएल के ऑक्शन जो है स्टार्टिंग में जो है रॉयल्स की टीम ने कुछ अननोन जो है प्लेयर को बुलाया था अपने ट्रायल के रूप में। तब ऐसे में जो है बोले है कि वो जो है ऑक्शन से कुछ अननोन प्लेयर को ट्राई करेगी, खरीदने की कोशिश करेगी। भाई यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया था कि ये जो है लीग जो कि फिलहाल जो है चालू है कटार T10 लीग, इसके अंदर जो है कुछ तो गड़बड़ चालू है। तब ऐसे में जो है आईसीसी ने एक बात जो है भाई कंफर्म कर दी है कि कटार T10 लीग में जो है कुछ तो करप्शन और कुछ तो फिक्सिंग का इशू चालू है, जिसको लेके जो है फिलहाल पूरी जो है आईसीसी की टीम जांच पड़ताल कर रही। लेकिन एक बात जो है कंफर्म हो चुकी है, ये जो लीग है कटार T10 लीग, इसके अंदर करप्शन और फिक्सिंग जारी है। अब बात करते हैं 100 बॉल टूर्नामेंट की। यहाँ पे जो है 100 बॉल टूर्नामेंट बहुत ही जो है अलग अलग नियम लागू कर रही है, जो कि आप सभी के लिए जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं, यहाँ पे जो है 100 बॉल टूर्नामेंट में एक जो है नया नियम आया है, वो नियम ये है कि जो भी खिलाड़ी नया बैटिंग क्रीज पे आएगा उसको ही स्ट्राइक मिलेगी। यहाँ पे जो होता क्या था कि जो भी खिलाड़ी होता था आउट, अगर भाई उसने जो है क्रीज को क्रॉस कर लिया तब जो है नॉन स्ट्राइकर आता था स्ट्राइक के ऊपर। लेकिन अभी जो भी खिलाड़ी न्यू आएगा बैटिंग क्रीज पे उसको ही स्ट्राइक मिलेगी, चाहे वहां पे जो दोनों जो है प्लेयर ने क्रीज को क्रॉस किया हो या फिर ना किया हो, जो भी खिलाड़ी न्यू बैटिंग पे आएगा उसको ही स्ट्राइक मिलेगी। सेकंड खबर भाई इसको लेकर नया रूल ये है कि यहाँ पे जो है 100 बॉल टूर्नामेंट में 25 बॉल के बाद जो है कोई भी टीम यहाँ पे जो है 2.5 मिनट का ब्रेक ले सकती है। तो यहाँ पे जो है 25 बॉल के बाद 2.5 मिनट का टाइम आउट लिया जा सकता है। मान लीजिए यहाँ पे जो है बारिश आ गई, तो बारिश अगर आ गई और 25 बॉल का गेम हो गया तब उसके बाद जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। अगर बारिश हो गई और 25 बॉल का गेम नहीं हो पाया तब मैच को रद्द किया जाएगा। तो भाई यहाँ पे जो है संजू सैमसन का जो बल्ला है वो लगातार बोल रहा है। यहाँ पे जो है रणजी ट्रॉफी में संजू सैमसन ने बंगाल के अगेंस्ट में एक शानदार सेंचुरी मार दी, जो कि संजू सैमसन का टीम इंडिया में जो खेलने का रहा है, जो उनका दरवाजा है, उसको और ज्यादा मजबूती प्रदान करता है। अब यहाँ पे जो है भाई अच्छी खबर आ रही है सारे न्यूजीलैंड के फैंस के लिए कि उनके जो है बहुत ही बड़े खिलाड़ी ट्रेंट बोल्ट जो है सेकंड टेस्ट मैच से पहले जो है ठीक होने वाले हैं। और भाई यहाँ पे जो है ट्रेंट बोल्ट ने नेट्स के अंदर अभ्यास भी चालू कर दी है, जो कि सारे कीवीज के लिए काफी अच्छी खबर है कि बोल्ट जो है लगभग से कंफर्म है कि वो सेकंड टेस्ट में खेलने वाले है। अब बात करते हैं भाई भुवनेश्वर कुमार की, जो कि फिलहाल है अपने सेक्रेटरी बीसीसीआई के, उनका नाम है जय शाह। तो वैसे में जो है भाई जय शाह ने जो है भूवी की सारी जो है मेडिकल रिपोर्ट मांगी है। तो अभी देखते हैं कि जय शाह भूवी की इंजरी की जो आई है मेडिकल रिपोर्ट उसको लेने के बाद क्या करते हैं। इसको लेके जो है जय शाह बहुत ही ज्यादा सीरियस है भुवनेश्वर कुमार की इंजरी को लेके।
अब यहाँ पे जो है बहुत ही बड़ी आ रही है खबर सीधा पाकिस्तान के बोर्ड से, जहाँ पे जो है उनके हेड कोच मिसबा उलक ने बोला है कि हम जो है भविष्य में एक लाएंगे ऐसी पॉलिसी जो कि क्रिकेटर लोग जो है प्लेयर लोग जो है एक फॉर्मेट को छोड़ ना पाए, एग्जाम्पल वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर। भाई ये दोनों जो है प्लेयर है लगभग से टेस्ट क्रिकेट को छोड़ चुके हैं, तब ऐसे में जो है टीम को नुकसान सहना पड़ रहा है। तो बाद में बोले हैं मिसबा उलक कि भविष्य में जो है हम लाएंगे ऐसी जो है पॉलिसी, जितने भी है खिलाड़ी अपने पर्सनल रीजन की वजह से एक दो फॉर्मेट को छोड़ेंगे नहीं। अब बात करते हैं भाई आज के फैक्ट की। क्या आप सभी को पता है ऐसा कौन सा भारतीय खिलाड़ी है जिनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे हाईएस्ट स्कोर है? यहाँ पे जो है उनका नाम है बी निम्बालकर, जिनके नाम पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 443 का हाईएस्ट स्कोर है, जो कि किसी भी भारतीय खिलाड़ी के द्वारा अभी तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर है। तो ये था आज का फैक्ट, मैं आपको मिलता हूँ कल के वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।